कैसे हैं आप? कैसे जा रहा है फ्राइडे? तो आज की स्टोरी है एक चाइनीज लेडी की। ये बहुत पुरानी टेल है, मतलब हम कितनी बार पहले पैदा हो चुकी होंगी तब की पुरानी टेल। तो ये जो चाइनीज लेडी थी, इसकी इसका बस एकमात्र सहारा था इसका बेटा। लेकिन इसका बेटा किसी हादसे में भगवान के घर चला जाता है। वो भगवान के घर चला जाता है, बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है, सोचती है अब उसका बड़ापा कैसे जाएगा, ये क्या करेगी, अब उसकी लाइफ का कोई मिशन ही नहीं रह गया। तो वो अपने गुरु के पास जाती है, कहती है कोई तो ऐसी पूजा होगी, कोई तो ऐसी प्रार्थना होगी जो आप मुझे दे सकते हो, जिससे मैं प्रे करूँ और भगवान मेरी सुन ले और मेरा बेटा मुझे वापस भेज दे। तो उसके गुरुजी कहते हैं कि एक काम करो तुम, मैं तुम्हें वो प्रार्थना दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए एक सरसों का बीज ला के दे दो मुझे, और ये उस घर से लेकर आना जिस घर में दुख कभी नहीं देखा गया। तो बोलती है हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो सोचती है कि उसके पड़ोस वाला तो रोज़ पार्टी करता है, तो वो पड़ोसी के घर चली जाती है सीधा एकदम से। तो उसकी पड़ोस में जो लेडी है वो दरवाज़ा खोलती है, बोलती है हाँ जी, इन्हें देखो तुम्हारे घर में तो रोज़ पार्टी होती है, कोई दुख नहीं है तुम्हारे घर में, तो मुझे एक सरसों का बीज दे दो जिससे मेरा बेटा वापस आ जाएगा। तो वो लेडी रोने लगती है, कहती क्यों, तुम क्यों रो रहे हो? तो कहती है पार्टी जो हो रही है, ये मेरा बेटा जो है मेरी जितनी भी कमाई है उसको उड़ा रहा है, ये मेरे हस्बैंड छोड़ गए थे मेरे लिए, और मैं इसको बहुत समझाती हूँ, समझता नहीं है। तो वो उसको क्या करती है, उल्टा उसको समझाती है कि तुम इस तरीके से अपने बेटे के साथ चलो, ऐसा करो वैसा करो, और देखो तुम्हारे को फ़ायदा होता है कि नहीं, ये पार्टी करना बंद कर देगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जो भी है। खैर वो बाहर निकलती, कहती यार यहाँ तो बात बनी नहीं, तो मैं किसके पास जाऊँ जो मेरी मदद कर दे। तो वो जाती है, वो सोचती है कि जो सबसे अमीर लोग होते हैं, जो ये बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इनके पास क्या दुख होगा, इनके पास तो कोई दुख ही नहीं होगा, तो मैं उधर जाती हूँ। तो वो जाती है एक बहुत बड़ी हवेली में, ये बड़ी कोठी, और उसको बोलती है कि देखो तुम तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम मुझे एक सरसों का बीज दे दो। तो वो कहते क्यों, कहते कि मुझे वो बीज उसी घर से चाहिए जिधर कोई दुख ना हो। तो रोने लग जाता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो इतने अमीर हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, पैसा है, गाड़ी है, नौकर है, इतना बड़ा बंगला है, और सेहत भी ठीक ठाक लग रही है। तो वो बताता है कि तुम तो देखो मुझे काफ़ी टाइम से जानती हो, लेकिन बहुत सारी बातें जो तुम नहीं जानती। तो वो अंदर से अपनी बेटी को बुलवाता है, तो उसकी बेटी जो होती है वो बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, उसका राइट साइड जो है वो पैरालिटिक होता है। तो बेटी ये क्या हो गया, बोलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये इसका ये हाल हो गया, अभी तो ये सिर्फ 24 साल की है और डॉक्टर कह रहे हैं कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो मेरे पास तो बहुत दुख है, मेरी बेटी, मेरे पास इतना पैसा है लेकिन मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहता, और डॉक्टर ने ये भी कहा कि आगे ये माँ नहीं बन पाएगी। तो फिर अब बताओ ये पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर किस काम की? तो ये तो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो फिर वो उसको कंसोल करती है और उसको प्रॉमिस करती है कि देखो कोई ना कोई अच्छा मैं इसके लिए भी ढूंढ के लाऊंगी, अपने गुरुजी से बात करके कोई मंत्र वंत्र जिससे ये ठीक हो जाए। तो ऐसे करके फिर वो बाहर निकलती है, फिर सोचती है यार ये तो इतना अमीर आदमी, इसके पास भी दुख है, अब क्या करूँ मैं, अब मैं किसके पास सरसों का बीज ले जाऊँ। सोचती है फिर वो कहती है कि सबसे बेस्ट रहेगा होटल, होटल में लोग इंजॉय करने आते हैं, तो मैं होटल्स में जाती हूँ। तो बड़े 5-स्टार होटल में पहुँच जाती है, जब वो वहाँ पहुँचती है, लोगों से मिलती है, वो देखती है इनके तो अलग अलग दुख हैं, सबको कंसोल करती है अलग अलग तरीके से सफरिंग से। तो आखिर हार के अपने गुरुजी के पास बोलती है कि ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं मिला, और मैं तो उल्टा आपके पास 3-4 केसेस लेके आई हूँ कि आप मुझे इनके लिए मंत्र दो या कुछ ऐसा भगवान से प्रार्थना करो जिनकी इनकी मदद हो जाए। तो उसके गुरुजी हंसते हैं, कहते हैं आप तेरे लाइफ का मिशन ही यही है, तूने अपने बेटे को पाला पोसा, तेरे बेटे ने जितना टाइम तुझे देना था उसने दिया, अब
तेरा टाइम है जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी मदद करने का। जिस दिन तू अपने बारे में सोचना बंद करेगी और लोगों के बारे में सोचेगी, उस दिन देख तेरी जिंदगी में वापस खुशियाँ कैसे आती हैं। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। तो फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए नमस्कार।